तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8th, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ लास्ट वीडियो में कुछ बता दिए थे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये 6 होते हैं टोटल, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। साइन ए होता है पी अपॉन एच, कॉस ए होता है बी अपॉन एच, टेन ए होता है पी अपॉन बी, और बाकी के 3 इसके ओपोजिट हो जाएंगे इनके। ठीक है, कॉसेक होता है एच अपॉन पी, और सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, और कॉट हो जाएगा बी अपॉन टी। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में, अब आगे चलते हैं इसमें। ये हम एग्जाम्पल कर रहे थे, तो ये एग्जाम्पल करेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन 10 a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। बहुत ही सिंपल है, देखो इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए बी सी। बी हमेशा आप ले लेना 90 डिग्री पे, हमेशा इसको 90 डिग्री ले लो। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है, टेन ए है ना, ए मतलब इसको एंगल मान। यहाँ पे ये टेन सी भी लिख सकते थे क्वेश्चन के अंदर, सी होता तो इसको एंगल माना जाता, ये वाला एंगल होता। यहाँ पे लिखा है टेन ए, तो यहाँ पे ऐसे बना लो, ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड, ये तो होगी हाइपोटेन्यूज। इस पे मार्क करना है, सबसे पहले बनाना है आपको ट्रायंगल, उसके बाद आपको मार्क करना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर ये तीनों ठीक तरीके से मार्क कर लिए ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से। तो हाइपोटेन्यूज कैसे पता चलेगी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे जो लंबी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, कैसे पता चलेगा। तो जो भी एंगल आपको बताया गया ना, यहाँ पे जैसे टेन ए बोला गया, तो जो भी ये एंगल है, ये एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब ये होगा हमारा बेस। ठीक है, और ये तीसरी साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अगर ये अच्छे से पता लगा लिया ना कि इसमें हाइपोटेन्यूज, तो सब बच्चे पता लगा लेते हैं। और परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मैम परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो इस तरीके से पता लगाना है, जो एंगल होगा ना एंगल, उस वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही बनता है हमेशा, तो ये बेस कहलाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। अगर ये तीनों चीजें अच्छे से मार्क कर ली ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस मार्किंग में बच्चे गलती कर देते हैं, इसको बेस मान लेंगे, कुछ बच्चे इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ये ध्यान रखना है कि एंगल ए बोला है यहाँ पे, ये देखना है टेन ए, ए मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब बेस ये है अपना। ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना बस। अगर ये मार्किंग में मिस्टेक कर दी ना, तो पूरा क्वेश्चन गलत। ये मार्किंग अगर सही से करिए ना, तो पूरा सब सही होगा सारा। अब देखो इसमें, अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, गिवन टेन ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो टेन ए मैंने फॉर्मूला बताया था, टेन का क्या फॉर्मूला होता है, पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी। वापस से लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये टेन टेन थीटा का मतलब टेन ए का ये फॉर्मूला हो गया पी अपॉन बी, मतलब ये जो 4 है ये तो हमें दे रखा है परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये हमने मार्क कर दिया, 4 लिख दिया यहाँ पे। और 3 हमें क्या दे रखा है, बेस हमें दे रखा है 3। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 3। अब हमें एच नहीं पता है, इसने बोला है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं टोटल, 6। तो एक हमें इसने दे रखा है, बाकी के 5 हमें खुद को निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से 5ों निकालने हैं, हमें साइन ए पता करना है, हमें कॉस ए, ठीक है, टेन ए तो इन्होंने दे रखा है, कॉसेक ए, ठीक है, सैक ए और कॉट ए, ये 5ों के 5ों हमें पता लगाना है। इसने बोला है ना फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि बाकी के जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका पता लगा। तो यहाँ पे टेन ए तो हमें दे रखा है, अब बहुत ही सिंपल है इसके अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, पी हमें पता है, बी भी हमें पता है, एच हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो आपको एच फाइंड आउट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बहुत सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल है। इसमें दो थोड़े क्वेश्चंस करोगे ना तब अपने आप सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे, एक दो क्वेश्चंस करोगे। अब यहाँ पे एच कैसे निकालना है अपन को, बहुत इजी है। पी क्या दे रखा है हमें, पी तो हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16, तो यहाँ लिख दो 16, ठीक है। प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या दे रखा है हमें, बी हमें दे रखा है 3। ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमें बी कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, तो यहाँ 25 आ गया, ठीक है। अब ये एच का स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो हमेशा रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एच इज इक्वल टू √25, √25। और रूट निकालना मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, रूट हम कैसे निकालते हैं। जैसे ये 25 यहाँ लिखो, किसी का भी रूट फाइंड आउट करना है ना, ये स्क्वायर रूट, इस सिंबल को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो इसका इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। 5 5 25, ठीक है, 5 1 5, तो ये 2 5 में से 1 5 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा एच इज इक्वल टू 5। तो एच की वैल्यू भी पता चल गई। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना बहुत आसान है। पी मुझे पता है 4 है, 3 बी मुझे पता है 3 है, क्योंकि ये दिया हुआ है, और एच मैंने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसकी हेल्प से मैंने निकाल लिया एच। ये के वे का झंझट छोड़ दो, के इसने लिख रखा है ना, इसका छोड़ो झंझट। 4 मानो सिंपल, बी को सिंपल 3 मान, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस निकल गया 5, तो एच इज इक्वल टू हो गया 5। अब बहुत सिंपल है, देखो क्वेश्चन बस खत्म, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो यहाँ पे अब देखो इन्होंने भी ये 5 निकाल दिया ना, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 5 निकाल दिया, देखो हाइपोटेन्यूस आ गया 5, ठीक है। अब क्या करना है, ये मैं रब कर दूँ 1 मिनट। इसको रब कर देती हूँ फटाफट। 2 4 क्वेश्चंस करोगे तो बहुत इजी लगने लगेगा, पूरा चैप्टर ही बहुत इजी लगेगा। और कोई भी चीज समझ नहीं आए ना तो पूछ लो, 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ सारी चीजें क्या क्या हमें पता है। यहाँ पे देखो पी हमें पता है, पी कितना दे रखा है, 4, ये क्वेश्चन में गिविन था, क्वेश्चन में दे रखा था कि पी कितना है, 4, ठीक है। बेस भी हमें दे रखा था क्वेश्चन में, बेस कितना दे रखा था, बेस हमें दे रखा था 3, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने हाइपोटेन्यूस निकाल लिया, कितना आया, 5। और एक चीज ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे ही लगती है, और किसी ट्रायंगल पे नहीं लगेगी। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए तभी पाइथागोरस लगा सकते हो। तो ये तीनों चीजें पता चल गई। अब बस अब बहुत सिंपल है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले ना इसने, तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए होता है अपना पी अपॉन एच। ये देखो ये फॉर्मूले इस बार बार आ रहे हैं, तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना, फॉर्मूले याद है तो सब कुछ, सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, पी कितना है 4, एच कितना है 5, तो 4 अपॉन 5, ठीक है, बहुत इजी। कॉस ए, कॉस ए का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बी अपॉन एच, ये फॉर्मूले ध्यान रखने, बी अपॉन एच, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन एच। तो बेस कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, और एच कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया बस, ठीक है। अब क्या निकालना है, 10, 10 का फॉर्मूला क्या बताया था इसने, दूसरे तरीके से निकाल रखा है, आपको जैसे पसंद हो वैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लिखो, 10 a का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, p अपॉन b, ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, p अपॉन b। तो बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करते जाओ, p की क्या वैल्यू है, 4, और b क्या है, 3, तो 4 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा अपना 4 अपॉन 3।
ठीक है, टेन भी आ गया। अच्छा टेन तो ऑलरेडी गिवन था, तो टेन तो निकालने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में दे रखा था ना टेन ए इज इक्वल टू 4/3, तो टेन हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद कौन सा आता है, कॉसेक, इसके बाद हम निकालेंगे कॉसेक। देखो इन्होंने ऐसे निकाला है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin होता है, मतलब साइन का उल्टा, जैसे 4/5 है ना, तो 5/4 हो जाएगा कॉसेक। सेक होता है कॉस का उल्टा, जैसे ये 3/5 है कॉस, तो सेक कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है, सिंपल सा है। कॉट, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, कॉट इज इक्वल टू होता है 1/tan A, तो टेन का उल्टा मतलब 3 ऊपर लिख दो और 4 नीचे लिख दो, 3/4, इस तरीके से निकाल लो चाहे। ठीक है, या फिर फॉर्मूले से निकाल लें, तो फॉर्मूले से कॉसेक का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, कॉसेक का क्या फॉर्मूला होता है, H/P, तो H की वैल्यू डाल दो 5, P की वैल्यू डाल दो 4, तो 5/4। सेक का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, H/B, तो H कितना है 5 और बेस कितना है 3, बस वैल्यू पुट करते जाओ आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 का। अगर समझ नहीं आया ना खुशी तो बता देना, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी पूरा, ठीक है? और आ गया धीरे समझ धीरे में दो चार तुम्हारे। क्वेश्चंस करोगे ना तब आ जाएगा समझ में। ये आ गया अच्छे से समझ में, ये एग्जाम्पल नंबर 1? हाँ आ ठीक है गया। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी है, दो चार क्वेश्चन करोगे सब कुछ समझ आ जाएगा अपने आप। अब देखो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। इसने बोला है कि ये एंगल बी है एक्यूट। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच वाले, 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े, उन एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो इसने बोला है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, मतलब ये जो एंगल बी है ये एक्यूट एंगल है, एंगल क्यू है एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, आगे आगे क्या बोला है, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लिया करो, साइन बी बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो साइन बी इज इक्वल टू साइन का क्या फॉर्मूला था, पी अपॉन एच। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी अपॉन एच ये था ना साइन का फॉर्मूला। सबसे पहले इन्होंने ये अपन को ये हिंट दे दी कि ये दोनों बराबर है, तो प्रूव करो कि एंगल बी और एंगल क्यू भी आपस में बराबर है, ये दोनों जो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूव हो जाएगा बहुत आसानी से, साइन बी, पहले तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच तो हमें सब दिखाई दे रहा है आराम से, एच क्या है यहाँ पे, ये जो ए बी है ये तो एच है हमारा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा बेस, क्योंकि जो एंगल होता है ये किसके बीच में बनता है, हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है ये वाला एंगल। ठीक है, हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनेगा एंगल, तो ये बेस है, और ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, ये है अपना पी। सबसे पहले ये पता लगाना है पी कौन सा है, बी कौन सा है, एच कौन सा है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। हमेशा ध्यान रखो ये जो एंगल बन रहा है ये हमेशा, जैसे इन्होंने साइन बी लिखा है, तो ये बी जो ये एंगल बन रहा है ये हमेशा एच और बी बेस के बीच में बनता है, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में, मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है अपन को। तो पी अपॉन एच, पी यहाँ पे क्या है, ए सी, तो इन्होंने लिख दिया ए सी, एच क्या है, ए बी, तो इन्होंने लिख दिया ए बी। ठीक है, अब ऐसे ही साइन क्यू का भी निकाल लो, तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूस, सबसे लंबी साइड है। ठीक है, ये बेस हो गया, ये एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूस बेस के बीच में बनता है, और ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही साइन क्यू का निकाल लो, साइन का फॉर्मूला वापस से पी अपॉन एच होता है, तो यहाँ पे पी क्या है, पी आर, तो यहाँ लिख दिया इन्होंने पी आर, और एच क्या है, एच है पी क्यू, तो इन्होंने लिख दिया यहाँ पे पी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतना हो गया। अब देख इन दोनों को इक्वल लिख देंगे फिर अभी नीचे जाके,
इन दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि इन्होंने बोला था ना साइन, ये साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो ये दोनों यहाँ पे इन्होंने लिख दिए इक्वल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक मिनट मैं ये रब कर दूं। इन दोनों को यहाँ पे इक्वल रख दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन बी इसके बराबर था, साइन क्यू इसके बराबर था, दोनों को इक्वल रख दिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि दोनों को हम के मान लेते हैं सपोज। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी सी इज इक्वल टू दिस और क्यू आर इज इक्वल टू दिस, तीसरी साइड भी इन्होंने निकाली है। ए सी और ए बी होगी ना, इसकी तीसरी साइड कौन सी है, ये बी सी, बी सी, ठीक है ना, ये साइड इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली। बी सी बराबर मतलब त्रिकोण होता है। अच्छा देखो अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये सिमिलर का साइन है, कॉन्ग्रुएंट का साइन है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, और एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा बराबर। ये थ्योरम मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आज अपन इतना ही करेंगे ये एग्जाम्पल नंबर 2 तक, ये थ्योरम एक बार समझा देती हूँ फटाफट, बहुत सिंपल सी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये बी सी कैसे निकाला है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपॉन ये और ये करके पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर भी के इक्वल आ गया और ये भी के इक्वल आ गया, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है। यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर, ए सी अपॉन पी आर, ये देखो अगर इस तरह से होता है ना, इस वाले ट्रायंगल की ये साइड ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर और ए बी अपॉन पी क्यू, अगर इस तरह से हो जाता है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो ये दोनों जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये थ्योरम में दे रखा है ऊपर 6.4, वो 6th चैप्टर में थ्योरम है ये, तो ये थ्योरम मैं कल ही एक्सप्लेन करूंगी, चैप्टर नंबर 6 के अंदर है ये। कौन सी है, चलो मैं अभी बता देती हूँ, अभी कर ही देती हूँ, 6.4 है ना, 6th चैप्टर में मिलेगी ये, चैप्टर नंबर 6, छोटी सी थ्योरम है, बस 2 मिनट लगते हैं इसमें। ये देखो यहाँ पे ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर फिगर्स को इसमें थ्योरम आएंगे पूरी 6.4, 6.3 सिमिलर ट्रायंगल्स, ये 6.1 थ्योरम है, इसमें 6.4 जो थ्योरम है नीचे करेंगे 6.2, ये 6.3 और ये 6.4 थ्योरम आएगी, ये वाली थ्योरम। देखो इसमें क्या बोला है, इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब ए बी एक ट्रायंगल की ए बी और दूसरे ट्रायंगल की भी डी ई, मतलब सेम सेम साइड अगर इस तरह से है तो देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ए बी अपॉन डी ई, ये देखो यहाँ पे ऊपर लिखा ना, यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ, अगर ये प्रपोर्शन में है, जैसे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, अगर इस तरह से है
तो इसके जो एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल हुआ, एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल होगा, एंगल सी और एंगल एफ आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये थ्योरम है, ये पूरी ये यहाँ पे दे रखा, देखो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ। तो ये हमारी थ्योरम है कि अगर ये ट्रायंगल की साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होती हैं, इस तरह से होती हैं, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू, देखो ये ए बी अपॉन डी बी, बी सी अपॉन एफ, अगर ये हो जाता है ना, तीनों इक्वल है, तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, मतलब ये जो एंगल ए है एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। तो ये थ्योरम है, तो हम वापस अपने उसी पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू एक बार वापस से फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ बस, फिर आज इतना ही करेंगे, एग्जाम्पल नंबर थ्री करेंगे कल, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर टू में देखते हैं, यहाँ पे यही प्रूफ करना है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है ना, तो इससे ये दोनों तो इक्वल हो गए आपस में, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी और यहाँ पे पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये पी आर यहाँ चला जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे क्रॉस में हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये दोनों तो इक्वल है ऑलरेडी, और एक इसको आप इक्वल कर लेना यहाँ पे, बी सी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, फिर क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आ जाएगा क्यू आर, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे कैसा लिख दिया, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे ये कैसे आया, बहुत ईजी है, इसके अंदर भी जो ए बी है वो क्या है, ये पी क्यू को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो ए बी क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू, मतलब ए बी की जगह आप लिख सकते हो के पी क्यू, ठीक है। ए सी, ए सी की जगह मैं लिख सकती हूँ इसको हाइड कर दो, ए सी की जगह मैं लिख सकती हूँ इस पी आर को यहाँ के पास भेज दो, के पी आर, तो ए सी की जगह हम लिख सकते हैं के पी आर, ठीक है। फिर बस ये के तो बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों भी के इक्वल हो गए, तो ये तीनों के तीनों के बराबर आ जाए, तो मतलब तीनों आपस में प्रपोर्शन में, तीनों आपस में प्रपोर्शन में, तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, ये साइन है सिमिलर का, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल बी और एंगल क्यू प्रूफ हो गया, ठीक है ना। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, सिमिलर का मतलब ये जरूरी नहीं कि उसकी साइज सेम हो, साइज अलग अलग हो सकती है, जैसे एक छोटा ट्रायंगल है एक बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल देखो इसमें साइज अलग है ना, ये छोटा ट्रायंगल है ये बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों के दोनों सिमिलर है, सिमिलर है मतलब एक जैसे हैं दोनों के दोनों, लेकिन इनको हम कॉन्ग्यूरेंट नहीं कह सकते, ये दोनों कॉन्ग्यूरेंट नहीं है, सिमिलर है, ये हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल किनको बोलते हैं और कॉन्ग्यूरेंट ट्रायंगल्स किनको बोलते हैं, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, साइज इक्वल नहीं होती है, बट एक एक जैसे शेप एक जैसी होती है, मतलब इसकी भी ट्रायंगुलर शेप है इसकी भी ट्रायंगुलर, सिमिलर है। कॉन्ग्यूरेंट में क्या होगा, शेप उसकी शेप और साइज दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, वो होता है कॉन्ग्यूरेंट, वो चैप्टर 6 में अच्छे से पढ़ेंगे, वो चैप्टर 6 का है, इसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है बस, तो आज हम बस यहाँ तक ही करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 तक, कल हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 हम कल करेंगे, और बाकी इसमें कुछ भी समझ नहीं आया ना तो कल पूछ लेना मुझसे, जितना भी मैंने आज पढ़ा है ना उसमें कुछ भी समझ नहीं आता है कभी भी पूछ सकते हो जब भी कोई डाउट, ठीक है। ठीक है।